अभी हम अपनी बाइक को इंजेक्शन लगा रहे हैं। बाइक का एक्सीडेंट हुआ था बहुत तगड़ा वाला, बाइक को स्किड मार दी गई थी। ये रोड रखी नीचे, ये घुमाई आ गई, ये जा रही है। और गाइस ये देखो, ले रहा ना ऐसे करके, तो गाइस मेरे हाथ में ना यहाँ पेन होना स्टार्ट हो गया था। ये देखो बिना हैंडल के कैसी लग रही है। चैनल गेन, आई होप आप सबके से बच्चे होंगे। और आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मेरे साथ है एक इंटरेस्टिंग मैन। तो गाइस अभी मैं हूँ तरुण भाई के साथ, और तरुण भाई और जब हम मिलते हैं तो आरएस में खुराबात होनी पक्की पक्की है। फिलहाल आपको मैं बता दूं, हम ना कुछ इतना सारा सामान भर के लेकर आए हैं, और अभी कल भी मैंने काफ़ी सारा काम करवाया था, वो अभी आपको मैं वीडियो में आगे बता दूंगा। उसके लिए मैंने कोई सेपरेट कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वो चलते फिरते मैंने काम करवा लिया था। और तरुण भाई के साथ मैं मार्केट गया और कुछ सामान लेकर आया था, सामान इक्का या दुक्का लेना था, बट वहाँ सामान हमको मिलता गया और हम सामान वहाँ पर लेते गए। तो मैंने अपनी बाइक का तो सामान ले लिया, साथ में तरुण भाई ने भी कुछ चीज़ें ले ली अपनी बाइक के लिए जो मैंडेटरी थी। तो गाइस फिलहाल आपको बता दूँ, अपनी नियोनी ये खड़ी और एकदम बल्की सी लग रही है देखो, और कुछ एक दो मोड्स मैंने कराए हैं, उसकी भी वीडियो जल्दी जल्दी अपने चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो गाइस आज का मैं आपको थोड़ा सा बता दूं ये वीडियो किस चीज़ के ऊपर रहने वाली है। बट इस बंदे को देखो, हाथ में ना औजार तैयार रहते हैं बाइक को खोलने के लिए, चाहे हमारी चाहे मेरी बाइक हो और अपनी बाइक हो, अंदर बम्बल हुई बाइक है तो खुली पड़ी एकदम। अभी वो भी मैं दिखा दूंगा क्या उसका हाल हो रखा है। तो गाइस अभी बताओ क्या दिक्कत आ रही है। एक्चुअली मेरे साथ ये दिक्कत आ रही थी, कल तरुण भाई मेरे पास आए थे घर पे, और एक्चुअली कल तीन तीन आरएस चल रही थी रोड पे एक साथ। तो यार मैंने वो भी आरएस चलाई, और बताओ मुझे क्या चीज़ महसूस हुई, उनकी आरएस से मैं चला रहा था ना, मुझे बड़ा फ्रीज़ा महसूस हो रहा था, बट अपनी जब आरएस चलाता हूँ तो मेरे हाथ में ना पेन होता है इस साइड पे। और ये मैं चीज़ काफ़ी दिन से नोट कर रहा था, और ये चीज़ बढ़ती जा रही थी क्योंकि लास्ट टाइम जब हम मनाली से आ रहे थे बाइक उस टाइम स्किड होकर गिर गई थी और हैंडल थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था। तो ये चीज़ नोट करी कि ये दिक्कत क्यों आ रही है, मेरे हाथ में पेन क्यों हो रहा है अपनी आरएस चलाते हुए। तो गाइस ये हैंडल ना, हैंडल की जो रोड होती है वो यहाँ से टेढ़ी हो चुकी है, इस साइड की जो टेढ़ी थी और इस साइड की भी टेढ़ी हो चुकी है, तो दोनों की दोनों जो रोड्स हैं इस साइड बेंड हो चुकी है। फिलहाल अभी क्या होगा, अरे भैया इसको रख दो ना अभी रख दो इसको, आराम से खोलेंगे इसको तो गाइस इसमें बताता हूँ कि दोनों की दोनों रोड्स अभी चेंज होंगी। इस रोड को पहले निकालते हैं, निकालने के बाद आपको दिखाऊंगा कि रोड का भी क्या कंडीशन हो रखा है। नई रोड्स हमारे पास यहाँ रखी हुई हैं, तो ये रही आपको प्राइस भी बता दूंगा कि किस प्राइस पे आई है। तो ये रही दोनों रोड, लेफ्ट और राइट की दोनों रोड लेकर आए हैं, और दोनों की रोड ना सिमिलर नहीं होती, अलग अलग होती हैं लेफ्ट और राइट साइड की। ये अभी एक और पार्ट है इसकी, एक अलग वीडियो हम बनाएंगे अभी क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारा टाइम है। इसको अभी इसको बंद कर दो, अभी नहीं दिखाना हमने क्या चीज़ है इसमें। तो गाइज ये रोड अभी इसके अंदर हम लगाने वाले हैं, इसको निकालने के लिए मैं आपको मोटा मोटा प्रोसेस समझाया था, बाकी अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। और देखो लाइट भी किस टाइम पर गई है, मैंने काफ़ी बार अपनी वीडियो में बताया था जहाँ पे शांति होगी तो वहाँ पे लाइट नहीं होगी, और जहाँ पे शांति नहीं होगी, क्या मतलब कुछ समझो, मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो गाइज अभी देखो यहाँ शांति है तो अब यहाँ लाइट जा चुकी है। तो गाइज अभी इसको खोलने का मैं प्रोसेस समझाया था, ये यहाँ से ना रबड़ का कैप होता है, इसको हटाना पड़ेगा, हटा के अंदर अलंकी होगी तो पूरा का पूरा हैंडल बार बाहर निकल जाएगा। बट ये जो दुकान है ना पूरी, ये दुकान को भी डिसमेंटल करना पड़ेगा। तो चलो इसका प्रोसेस जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ जैसा कि तरुण भाई के चैनल पे भी आपको आरएस खुलती नज़र आ रही है, बट मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम पे ना इंजन खुलते नज़र आएंगे। वो मैं नहीं बताने का कि किस चीज़ के इंजन, बट आपको ना कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें देखने के लिए नज़र आ सकती है। तरुण भाई पीएचएस प्लस लेके बैठे होंगे, इंजन खोल रहे होंगे, अपने वो कर देंगे नीचे की तरफ। हाँ कोई ना, वो तो रहेगा तुम्हें तो भाई साहब। गाइस खुल गया। सो गाइस एक साइड का देखो रबड़ निकल चुका है, और यहाँ एलंकी लगेगी, आई थिंक ये 5 नंबर की एलंकी लग रही है यहाँ पे। तो गाइस मैं साथ में बता दूं, जो बंदा आरएस ऑन कर रहा है या ऑन करने वाला है तो अपने साथ ना टूल किट रखे रखे यार। और यार मेरे ना बैग की जेब फटी पड़ी है, देखो कहाँ से फ्लैश निकल गई है, ये फ्लैश नहीं फोन नीचे आ गया। गरीबी गरीबी का आलम देख रहे हो गाइस, गरीबी का आलम। सो गाइस ये एलंकी वाला पेज खुल गया, 5 नंबर का था, और जैसे इसको पीछे की तरफ प्रेस करेंगे आराम आराम से तो ये निकल के हाथ में आ जाएगा। कितना भारी यार। ठीक है, तो अभी जो इसके ऊपर से सारा सिस्टम लगा हुआ है उस सिस्टम को अभी हम निकालने वाले हैं। और लाइट आ गई, शोर देख रहे हो क्या लोगों में, बच्चों में खुशी हो रही है लाइट की। अभी यहाँ से खोलना है, अब इसका ये वाला सिस्टम निकलेगा, सिस्टम समझ रहे हो ना क्या बोलते हैं इसको, सब समझ जाओ। अभी इसकी ये वाली चीज़ बाहर निकालेंगे और एक एक करके सारे पेज खोलते रहेंगे इसके। तो गाइस काफ़ी मशक्कत के बाद अपना जो ऑपरेशन है सक्सेसफुल हो चुका है। ये देखो बिना हैंडल के कैसी लग रही है, अगर अब इसको चलाया जाए तरुण भाई कैसा मजा आएगा भाई, बहुत मजा आएगा तो खैर चल नहीं पानेगी, काफी चलेगी। हाँ तो गाइज काफ़ी ज़्यादा मतलब मेहनत सी करनी पड़ेगी इसको निकालने के लिए, और हाथ पर सब गंदे हो गए।
तो काफ़ी पेज स्लिप भी हुए थे हमारे, बट जैसे तैसे करके हमने इसको खोल दिया। तो गाइज ये रोड इसके अंदर से निकली है ये दोनों की दोनों। तरुण भाई कह रहे हैं रोड सही है हमारी। तो गाइज आप बताओ रोड सही है कि नहीं है। देखो ये हमारी पुरानी रोड है, अगर आपको फ़र्क नज़र आ रहा है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज जब इसको अनबॉक्स करेंगे आपको फ़र्क नज़र आ रहेगा। तो गाइज जो मेरे हाथों में दर्द हो रहा था वो इनकी वजह से हो रहा था, इसके अंदर इतनी ज़्यादा स्टंट प्ले आ चुकी है। सो गाइज देखो रोड के अंदर फ़र्क देखो, ये देखो कितनी रोड ये साइड से नीचे मुड़ी हुई है, और अभी हम दूसरी रोड खोलेंगे नई वाली, तो दोनों को साथ में रख के अभी कंपेयर करते हैं, तो थोड़ी ये भी चीज़ और क्लियर हो जाएगी। तो गाइज क्या सिनेरियो निकल के आया, ये देखो रोड्स ना, अब एक ही चीज़ देखना, ये रोड रखी नीचे, ये घुमाई आगे, ये जा रही है, और गाइज ये देखो ये देख रहे हो तो भाई भाई खेले बैठ गए रोड रोड पे, डांडिया करते डांडिया। ये ना बढ़ जाए हाँ, नहीं नई वाली खराब हो जाएगी गाइस, बहुत एक्सपेंसिव चीज है देख रहे हो हाँ। कैसे लूट रहे हैं बाजार वाले, अभी हम इसकी कॉस्ट बाद में बताएंगे कि हाँ। क्या कॉस्ट हमको मिली है। फिलहाल मतलब जो भी रेट मिला है शोरूम के रेट मिला है, बंदे ने डिस्काउंट नहीं दिया यार, बंदे ने डिस्काउंट नहीं दिया, भैया ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया था, भैया देख लो डिस्काउंट दे देते, मजा आता है, हम तुम्हारी दुकान का पता बता देते। ये देखो देखो शायद आपको फर्क नजर आ जाए, ये देखो ये पुरानी रोड है ये नई रोड है, ये देखो। तो गाइस आपको बता दूं जो रोड्स है ना दोनों साइड की लेफ्ट और राइट अलग अलग आती है, तो लेफ्ट का भी प्राइस अलग है। तो गाइस लेफ्ट वाली 70 रुपये महंगी सस्ती है और राइट वाली 70 रुपये महंगी है, तो मतलब पता नहीं क्या इतना वेरिएशन क्यों दे रखा है इस चीज़ को लेके, रोड दोनों है सेम सी, बट मेरा जो एक्चुअल हाथ के अंदर पेन था ना वो इन रोड की वजह से बना हुआ था, क्योंकि और मैं दूसरी आर एस चला रहा था तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, बट अपनी आर एस जब भी मैं चला रहा था तो दिक्कत से भी हो रही थी। खैर एक दो चीज़ और लेकर आया हूँ, अभी आपको दिखाऊंगा मैं वीडियो के एंड में कि क्या मैं लेकर आया हूँ, जिससे कि थोड़ी और जो छोटे मोटे काम है ना अपनी बाइक के वो पूरे हो जाएंगे और देन अपनी आर एस ओके हो जाएगी। बट खैर बोलने की बात है आर एस ओके हो जाएगी, लेकिन आर एस आज तक मेरी ओके नहीं हो पाई, आज तक किसी की परफेक्ट नहीं रही, किसी की रही ना हो लेकिन तरुण भाई और मेरी तो बिल्कुल नहीं रही, हम बस हम दो चार दिन बाद पूछते रहते भाई आज ये ऐसा हो गया आज ये ऐसा हो गया। तो गाइस देख रहे हो मेहनत लगता है कि छोटे ये काम एकदम आसान से हो जाते हैं, बट बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इन काम को करने के लिए ना, तो इसकी फिलहाल फिक्सिंग हो रही है इसके अंदर, इसको फिक्स किया जाएगा। हाँ अब स्ट्रेट हो गया, देखो गाइस अब देखो हैंडल अब स्ट्रेट हो रहा है, और गाइस देखो इस चीज़ की पहचान आप लोग कैसे कर सकते हो, जब आप हैंडल को यहाँ मोड़ते हो ना तो मेरा हैंडल यहाँ टच होना स्टार्ट हो गया था, ये हैंडल यहाँ टच होना स्टार्ट हो गया था, तो आप इस चीज़ की पहचान कर सकते हो कि आपके हैंडल में फ़र्क आ गया। तो गाइस अब बैंड चेक करो, आप देखो कितना बैंड आ रहा है, ये देखो देखो अब बैंड देखो कितना बैंड था, बहुत ज़्यादा खराब कर रहा है। तो गाइस इसकी ना फिक्सिंग होनी स्टार्ट हो चुकी है और बस आधा एक घंटा लगेगा यार, काम देखने में ना बहुत ईजी से लगते हैं बट है नहीं आ रहा इसके अंदर कुछ भी काम करना, तो एक बार अभी तरुण भाई ना बैठ के चेक कर रहे हैं कि कैसे एडजस्टमेंट आ रही है। हाँ अब थोड़ा लग रहा है कि मतलब बंदा थोड़ा बल्किन ऐसे बैठा हुआ है, वरना हाथ में ना जब मैं इसको बैठता था तो मेरा हाथ थोड़ा सा ऐसे रहता था इस स्टोन के अंदर, और जब मैं थोड़ा देर रहा ना ऐसे करके तो गाइस मेरे हाथ में ना यहाँ पेन होना स्टार्ट हो गया था, तो मुझे चीज़ का फील हो रहा था कि हाँ मतलब हैंडल ना ज़्यादा टेढ़ा होता जा रहा है। तो गाइस ऐसे देखो बाइक की लुक आ रही है, और अभी ना आपको हेलमेट वाली मॉडिफिकेशन दिखाऊंगा, उसमें सही बताओ तो मैंने वीडियो बना के रखी हुई है बट अभी तक उसको मैं एडिट नहीं कर पाया, थोड़ा ना टाइम की दिक्कत चल रही है जो हमेशा जल्दी रहती है मेरे पास, तो अपना हेलमेट ये रखा हुआ अभी दिखाएंगे, फिलहाल इसका काम पहले पूरा करते हैं। सो गाइस साथ में ना इसको स्मूथ करने के लिए इसके अंदर WD-40 लगाया भी हमने, और इसको थोड़ा क्लीन करते हैं क्योंकि इसके अंदर ना चल चल के थोड़ा ग्रीस वगैरह आ जाता है और स्मूथनेस ना बाइक की ख़त्म हो जाती है, तो ये देखो कितना काला होकर निकल रहा है, तो WD-40 फिलहाल अभी कम लगा है क्योंकि खत्म हो गया यार, हम आपको बस दिखा रहे हैं लेकिन हमने लगाया थोड़ा सा कल वाला डीजल काम आता आज। हाँ डीजल कल वाला काम आया था, तो गाइस देखो अभी WD-40 और लगेगा और ना इससे स्मूथनेस बढ़ जाएगी हमारे थ्रॉटल में भी, मेरा थ्रॉटल का वायर है नया सा बट मुझे काफ़ी टाइम से फील हो रहा है कि काम हो चुका है, बट इसकी गंदगी से भी फ़र्क पड़ जाता है, अब थ्रॉटल अपना एकदम स्मूथ हो जाएगा, मक्खन चलेगा एकदम। तो गाइस देखो गंदा तो होकर निकलेगा फिलहाल, खैर कुछ ना पता नहीं सही कह रहा हूँ, अब इसको फिक्स करते हैं जल्दी करके और आपको आर एस रेडी करके दिखाते हैं। सो एनी वेज गाइस इसे फिक्स कर लेते हैं ना, तब मिलते हैं आपसे, देखते हैं फिर क्या सिनेरियो निकलता है इसके बाद ना। ये सिनेरियो सो गाइस अभी साथ साथ में क्या कर रहे हैं, जो थ्रॉटल वायर थी ना उसको भी थोड़ा लूब कर रहे हैं, और लुब्रिकेशन का प्रोसेस आपको मैं दिखाया था, खैर इसकी फुल वीडियो तरुण भाई के चैनल पे आ चुकी है बट आपको मैं थोड़ा सा प्रोसेस दिखाया था, क्योंकि ये भी काम अगर हाथों हाथ हो जाए तो वेल एंड गुड है, क्योंकि 1 ml में काम। तो अभी हम अपनी बाइक को इंजेक्शन लगा रहे हैं, सो गाइस देख लो बाइक को इंजेक्शन किस तरीके से लग रहा है, कैमरा दिखाना। सो गाइस देखो बाइक को इंजेक्शन लगाया जा रहा है, ये देखो
सुई लगा दी, बस खून ही निकलेगा निकलेगा कुछ और यहाँ से। ये देखो ये दवाई डाल दी, अब केबल को ना आगे पीछे करना जब मैं बोलूँगा, ठीक है करो करूँ करो करो। सो गाइस देख रहे हो ऐसे ऐसे दिमाग, ये आम बंदों में नहीं है, ये दिमाग आर एस वाले बंदों में हो सकते हैं। देख रहे हैं एक एमएल ना आपके डाल जा रही चीज़ सारी। नहीं नहीं वो वेस्ट बाहर निकल के फायदा थोड़ी उसका, फिर थोड़ा से बाहर निकलेगा ये, क्योंकि ना फिर फायदा नहीं, धीरे धीरे कर लेंगे ना। चलो करो। सो गाइस ये देखो ये चल रहा है, इसके अंदर से लुब्रिकेशन का प्रोसेस। ये देखो स्वीट रेडी हो गई, अब तो खैर होनी थी। तो गाइस अभी हमने इंजेक्शन लगाया था, और देखो इंजेक्शन लगाने के बाद क्या हुआ, ये जो निडल है निडल टेढ़ी हो चुकी है एकदम। फिलहाल इसका कोई यूज़ नहीं है, बट यार देखो ये काम ऐसे हर एक बंदा नहीं कर पाता, इसके लिए ना थोड़ी खुरापात दिमाग चाहिए होते हैं जो कि हम लोगों में कुछ ज़्यादा ही है। तो ये इस तरीके से लुब्रिकेशन किया जाता है, और इसका प्रोसेस यही है, अगर आप यहाँ WD-40 डाल दोगे ना वो प्रॉपर तरीके से अंदर नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ आगे ना कुछ सील्स वगैरह लगी होती हैं जिससे कि अंदर पानी नहीं जा पाए। बट जैसे इसको हम यूज़ करते रहते हैं, यूज़ कर करके तो थोड़ी क्या बोलते हैं उसको आप, वियर एंड टियर वाला काम हो जाता है। तो गाइस जो हैंडल्स बार हैं वो एकदम से वैसे टेढ़े नहीं होते, और जब बाइक हिट होती है कहीं गिरती है ना तो उस केस के अंदर ये टेढ़े होते हैं। बट आर एस की एक चीज़ अच्छी है कि गिरने के बाद ये टेढ़े तो हो जाते हैं, एक बार को लगता है टेढ़े हो गए, बट उस टाइम पर कुछ और पार्ट हमारा डैमेज नहीं होता। लाइक अगर हमारा हैंडल टूट जाए ना तो उस टाइम बाइक चल नहीं पाती। बाइक उस कंडीशन में थी कि बाइक चल गई, मैं आपको बताऊँ मेरा कैसे टूटा था। मेरी बाइक का एक्सीडेंट हुआ था बहुत तगड़ा वाला, बाइक पूरी स्किट मार दी गई थी, और उस केस में यहाँ से मुड़ गया था। सो फाइनली गाइज जो बाइक की हैंडल रोड्स हैं वो एकदम परफेक्टली लग चुकी है, और गाइज बैठने के बाद ना पूरा पूरा एंगल चेंज हो चुका है। आपको प्राइस बताया था, जो लेफ्ट साइड का था वो पड़ा था 289 रुपीज़ का, और राइट साइड का पड़ा था 364 रुपीज़ का। तो इसके अंदर हमको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिला, ये हमको ऑन प्राइस मिला है। फिलहाल मैं प्राइस भूल गया था और इनको ढूंढ रहा था मैंने कहाँ फेंका हुआ था, बट आपको बताना भूल गया था। फिलहाल बाइक अपनी एकदम रेडी हो चुकी है, परफेक्ट हो चुकी है। बस मैं आपको बताऊँ मैं इसका सामान वैसे क्या क्या लेकर आया था। एक तो इसकी हैंडल रोड थी जो मैंने लगा दी है, गियर शाफ्ट की लीवर और क्यू स्विच, सॉरी जो लीवर वाला स्विच था वो मैंने लगा दिया। बट अभी इसकी एक चीज़ और बची हुई लगाने के लिए, इसके अंदर बहुत लंबा टाइम लगेगा फिट करने में, ये है इसका कौन सेट। तो कौन सेट मैंने परचेज़ कर लिया था, और ये कुछ 400 रुपये के समथिंग के आसपास मुझे पड़ा है। अभी हम बैठ रहे हैं ना तो गाइज एक नंबर मज़ा आ रहा है, और पेन अब मुझे पता कि अपने हाथ में नहीं होने वाला। तो गाइज अभी देखो तरुण भाई बाइक पे बैठ के रिव्यू देंगे कि कैसा आ रहा है। फिलहाल ना वो बाइक के भी लाइट चेक कर रहे हैं कि कैसा फोकस आ रहा है नाइट आएगा। मुझे लग रहा है कि फॉलोइंग नाइट आएगी बढ़ रही है, कुछ कुछ हो सकता है कि बंबलबी में नाइटें लगी थे कुछ दिन तक। तो तरुण भाई अब बैठ के बताओ कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है हैंडल का। बहुत ही प्यारा है, मतलब बिल्कुल अब लग रहा है काफी अंतर दिखा दिया जमीन आसमान। गाइज बहुत ज़्यादा हाथ में दर्द था, मैं बहुत परेशान था। फिलहाल अभी आप टाइम देख लो कितने 9:30 बजे पड़े हैं रात के, और इस टाइम बैठ के इसको मैं ठीक करूँ, क्योंकि ये दिक्कत मैं फेस कर रहा हूँ बहुत दिनों से, और बस आज मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं कहता हूँ भाई आज ये वाला काम करना ही करना है। तो गाइज देखो ये बस छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस बंदा इस चीज़ को पकड़े तो ही पकड़ सकता है, अदरवाइज लोग सोचते हैं कि शायद उनके साथ कुछ ऐसी दिक्कत हो रही है। तो अगर आप लोगों के साथ ऐसी कुछ दिक्कत है हाथ से रिलेटेड, अगर पेन वगैरह हो रहा है और पहले नहीं होता था, और आपकी बाइक कहीं गिरी है टकराई है या किसी भाई बंदी को दी है तो कहीं ना कहीं गिरा के लाया होगा, तो हैंडल अपने बाइक के चेक कर लेना। अगर हल्का सा ही बैंड है हैंडल के अंदर तो ये दिक्कत 100% आपको आने वाली है। तो हैंडल्स आपको बस चेक करने और कुछ नहीं करना। तो मेरे में जैसे भी हैंडल्स की प्रॉब्लम थी वो भी सॉर्ट आउट हो चुकी है, और बाइक अभी बैठने के बाद ऐसा लग रहा है बहुत ब्रॉड हो बाइक, हैंडल्स बहुत ज़्यादा मतलब चौड़े से हो चुके हैं। तो गाइस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टिल देन टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।